मैं डॉक्टर अनिल कुमार माने बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ। केंद्र सरकार के नीतिगत नीति के विरोध में और राज्य के नीति के विरोध में, राज्य जो सरकार है उसके भी विरोध में, बढ़ते पेट्रोल के भाव, बढ़ते गैस के भाव, बढ़ते बिजली का बिल, इसके विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ और बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के 36 जिले में और उसके अंदर जो तहसील आते हैं उन तहसीलों में दे धक्का यानी धक्का मारो आंदोलन कर रहे हैं। ये धक्का मारो आंदोलन का स्वरूप रहेगा, महापुरुषों के पुतले को पुष्पहार अर्पण करेंगे और वहाँ से रिक्शा को, मोटरसाइकिल को, टैक्सी को धक्का मारकर कलेक्टर कचहरी, तहसील कचहरी तक पहुँचेंगे और सरकार का निषेध करेंगे। ये 36 जिलों में महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी मंशा ऐसे, जो सरकार ने इतना हर चीज़ के अंदर जो इतना भाव बढ़ा दिया, हर चीज़ के अंदर, सिलेंडर के देखो, बिजली के अंदर देखो, पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगाई होते हुए, ये सरकार जो कहती कुछ है और करती कुछ है ऐसे, तो मैं युवाओं को अलर्ट करना चाहता हूँ कि अब भी जाग जाओ और सब जितने भी युवा सब अलर्ट हो के और इस सरकार के विरोध में जो भी ये निर्णय ले रहे उसके विरोध में काम करिए और ये बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ सहयोग देके और इसके साथ ज्वाइंट हो के और जितने भी अपने संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन करना है उस आंदोलन के अंदर हमको सहभाग देके सरकार के विरोध में, सरकार को जो हमारे हक और इसकी ली जा रही है उसके विरोध में हमको खड़ा होना है। बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से धक्का मारो आंदोलन जो रखा गया है पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों में और कमिश्नर लेवल पर रखा गया है, उसका एक भाग मीरा भाईंदर में जो भाईंदर तहसील है वहाँ पे सुबह 11 बजे से वो धक्का मारो आंदोलन रहेगा। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का मीरा भाईंदर वसई विरार का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं जितने भी भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले लोग हैं और जितने भी हमारा समर्थ वर्ग है, युवा है, महिला है, सभी से अपील करते हैं कि कल का जो आंदोलन है अपने अपने एरिया में शामिल हो जाए और भाईंदर में जो हमने आंदोलन रखा है तहसीलदार ऑफिस के सामने मैक्सिस मॉल के पीछे के तरफ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोगों ने आना चाहिए और शामिल होना चाहिए और आंदोलन को सफल बनाना चाहिए।